नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। आपका अपना चैनल पल पल, हर पल आपके साथ। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जननायक जनता पार्टी के परिवार ने बुधवार को 26 जुलाई को पूरे देश भर में मनाए जा रहे कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देश के उन सभी शहीद जवानों के प्रति अपनी कृतज्ञता दर्शाई जिन्होंने अपने वतन की खातिर अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इसी कड़ी में जेजेपी के जिला इकाई बेगू रोड पर स्थित गोल्डिगी चौक पर स्थित गांव तरकावाली के जवाब सिपाही शहीद कृष्ण कुमार की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक वर्मा ने कहा कि आज हम उन सभी शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी शहादत दी और देश की रक्षा करते हुए कुर्बानी दी, लेकिन देश को आँच नहीं आने दी। उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारी सेना और उसके जवानों पर गर्व करने का दिन है। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रधान महासचिव डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, प्रदेश सचिव सुरेंद्र बेनीवाल, जिला कार्यालय प्रभारी हरि सिंह, राजेंद्र गनेरीवाला, महिला प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोमिला शर्मा, जिला प्रेस प्रवक्ता अमर सिंह जानी, शहरी अध्यक्ष राजेंद्र सरदाना, सगनजीत गिल, प्रेम कुकरेजा, योगेश शर्मा, दीपक शर्मा आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। आज के दिन कारगिल के युद्ध की हमने विजय प्राप्त की थी, उसके उपलक्ष्य में और हमारे कृष्ण कुमार शहीद हुए सैनिक तरकावाड़ी के थे, इनके आज हमने पुष्प अर्पित करके और कारगिल युद्ध की विजय का जो खुशी का इजहार किया है। और मैं अपनी तरफ से, जननायक जनता पार्टी की तरफ से सारे प्रदेश को, देशवासियों को कारगिल युद्ध के विजय दिवस की बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि हमारे सैनिक इस देश की सुरक्षा हमेशा बनाए रखेंगे। और शहीदों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं जो देश के शहीद हुए और जिन्होंने शुरू में देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, जिनमें स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी भी थे, उन जैसे महान नायकों को भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और कामना करता हूं कि हमारे देश को इसी तरह से हमारे सैनिक, हमारे देशभक्त बचाए रखेंगे। धन्यवाद।